जालौर शहर में कल रात को एक दर्दनाक हादसा हो गया। सरदार से भरी दो बस जालौर के 7 किलोमीटर दूर महेशपुरा गांव में हाई वोल्टेज की लाइट की पावर में आने से दर्दनाक हादसा हो गया। बस में आग लगने से मौके पर 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जो कि 36 श्रद्धालु थे। सभी जैन समाज के श्रद्धालु बताए जा रहे हैं, जो कि जालौर शहर में देर रात्रि खाना खाने के बाद में गूगल मैप पर रास्ता देखते हुए रास्ता भटकते हुए जालौर से 7 किलोमीटर की दूरी पर महेशपुरा गाँव में जा पहुँचे। यहाँ पर संकरी गली होने के कारण हाई वोल्टेज पावर था, जिसे हटाने के लिए बस का कनेक्टर बताया जा रहा कि बस के ऊपर चढ़ा था। उसके बाद में यह हादसा हुआ, जिसमें 6 लोग गंभीर घायल होकर थे, वही जगह पे उन्होंने दम तोड़ दिया था। इसके बाद में 7 लोग गंभीर घायल होने से उन्हें जोधपुर रेफर किया गया है, जहां पर उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। हमारे साथ में पूरे प्रशासन मौजूद है, पर जालौर के विधायक जोगेश्वर गर्ग वहाँ पर मौजूद थे, उनसे बात करेंगे। हादसे पर अधिकारी पहुंचे थे, वहाँ जिला कलेक्टर भी वंश गुप्ता भी पहुंचे थे, जालौर SP भी पहुंचे थे, और जिस जगह पर मौजूद हूँ मैं उस पूरा गाँव के मौके पर मौजूद हूँ। हमारे आसपास काफ़ी लोग हैं, जालौर विधायक से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कल रात को दर्दनाक हादसा हो गया, मौके पर क्या बोलना चाहेंगे? भाई, ये बहुत दुखद हादसा है और इसमें 6 लोगों की मौत हो गई मौके पर ही लगभग। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ महेशपुरा गांव के लोगों को, जिन्होंने तुरंत राहत पहुँचाई, बस के शीशे तोड़ के, खिड़कियाँ तोड़ के लोगों को बाहर निकाला, वरना मौत ज़्यादा होती, गंभीर हादसा हो सकता था, बहुत बड़ा हादसा होता। 50 लोग बस के अंदर थे, तो कोई जिंदा नहीं बचता। यदि जंगल में कहीं बस में आग लगी होती तो गांव में थी, और गांव वाले तुरंत जागरूक थे, बाहर आ गए और उन्होंने उनको सही सलामत बाहर निकाल दिया लोगों को। उसके कारण मरने वालों की संख्या बहुत कम रही है, उसके लिए महेशपुरा वालों को बहुत धन्यवाद। और जो हुआ है, क्यों बस यहाँ आई कैसे भटके, भगवान जाने। उनके वो ड्राइवर भी मर गया, खलासी भी मर गया, वो बताने वाले वही थे। लेकिन अब जो हुआ बहुत बुरा हुआ है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और ताज़ा अपडेट क्या मिल पाई है, जो घायल, कितने घायलों की गंभीर हालत बताई जा रही है? 7 गंभीर? अब कोई गंभीर नहीं है, 6 लोग थोड़ा गंभीर थे, उनको जोधपुर भेज दिया था रात में, मैं वहीं था और बाकी सब यहीं थे। सामान्य उपचार उनका हो गया था, 7 लोग यहाँ भर्ती थे, उनका ठीक हो गया था जी। तो हमारे साथ गाँव वाले भी मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, वहाँ पे मौके पे हाजिर थे साहब, हमने लोगों ने लाइट कटवाई है, हम लोगों ने लोगों को बाहर निकाला है। तो मतलब आपने बाहर जब निकले तो क्या नजारा देखा, कैसा हादसा था, क्या हो रहा था वो टाइम पे? बस में पूरे में आग लगी हुई थी, लोगों को बाहर निकालना थे, ड्राइवर क्लीनर थे, वो बाहर आ नहीं पाए बेचारे। अच्छा, वो वहीं ऑन स्पॉट ही रह गए, बाकी लोगों को सबको बच्चों ने मिलकर। फायर ब्रिगेड की टीमें वगैरह कितने टाइम में पहुंची? फायर ब्रिगेड 15-20 मिनट में पहुंच गई थी, फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, लाइट भी कट गई थी, लेकिन वो तो जो बस लगनी थी वो तो लग चुकी थी, लग चुकी थी, बस पूरी जल चुकी थी। भगवान का शुक्र है कि बस में कोई पैसेंजर नहीं जला, सिवाय ड्राइवर के। दो बसें थी, एक बस पीछे खड़ी थी, वो पीछे थी, वो आगे थी, आगे वाली बस की ये कैजुअल्टी हुई है, पीछे वाली बस सही सलामत थी, उसमें पैसेंजर भी सही सलामत थे, आगे वाली बस के जलने से ही हादसा हुआ है। तो हमने यहाँ से विधायक से भी बात की और जा रहा जो यहाँ पर ग्रामवासी उन्होंने से बात की, तो यही जानने जी बोलिए सर। मेरे को सुबह सूचना मिली जल्दी में कैसे हो गया कि देखो कि स्थिति बहुत ख़राब है, और गांव वाले ने बहुत मदद कर दी, और नहीं तो 50 लोगों से ज़्यादा अधिक मरते, पूरे बस में पूरे घायल स्थिति से बाहर निकाल दिए। ये स्थिति है गाँव का, बहुत बढ़िया सहयोग रहा, ये स्थिति अच्छी रही जी। तो ये अच्छी बात रही कि गांव वालों के सहयोग से काफ़ी जाने बच गई यहाँ पर। अगर नहीं होती तो जो हादसा था वो और भी गंभीर हो सकता था, क्योंकि मौके पर गांव वाले पहुँच गए थे, लोग गांव वाले पहुँच के लोगों को बाहर निकाला गया था, क्योंकि गंभीर हालत में लोग थे उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया था, जो प्रशासन भी मौके पर पहुँच गया था, और जो फायर ब्रिगेड की टीमें थी वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँची थी। तो कुल मिलाकर जो जालौर की महेशपुरा गाँव की जो घटना हुई है, उस पर सभी लोग इकट्ठा होकर उन लोगों को बाहर निकाल के बचाने का प्रयास किया। जो दो बसें थी, जिसमें एक बस इस हाई वोल्टेज पावर के सपेट में आ गई थी, जिसमें काफ़ी लोग उलझ गए थे, जिनका उपचार जालौर के अस्पताल में जारी है, और यहाँ पर कई प्रशासन मौके पर पहुँचे थे और जिला कलेक्टर पहुँचे थे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जो मलबा है यहीं पर हादसा हुआ था, ऊपर लाइन केबल लगा हुआ है, यहीं पर रात को गूगल मैप पर रास्ता भटकते हुए ये लोग यहाँ पर पहुँचे थे, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि पूरी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये लोग रात को खाना खाने के बाद में देर रात्रि जालौर में जैन मंदिर में दर्शन करने के लिए रुके थे। ये लोग नाकोड़ा दर्शन करके ब्यावर अजमेर की तरफ जा रहे थे। सभी जैन समाज के लोग बताए जा रहे हैं, जालौर में देर रात्रि खाना खाने के बाद ये लोग वहां पर पहुंचे थे, तो गूगल मैप पर रास्ता देखते हुए बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, और ऐसा माना जा रहा है कि वो रास्ता भटकते हुए जालौर से 7 किलोमीटर इस गांव में आ गई, और ये मेरी गली है, छोटी गली होने के कारण इसमें बस नहीं निकल पा रही थी। तो ड्राइवर और कंडक्टर ने बस रोककर, एक बस को रोककर ऊपर चढ़ने का प्रयास किया, ऐसा बताया जा रहा है कि ऊपर चढ़ने का प्रयास किया गया, इसके बाद में वहां पर आग लग गई थी।
रात जो घटना हुई थी इसमें जो बिजली विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। मेरे पीछे जो केबल लाइन लगी है, जो हादसा हुआ वो मौके पर मौजूद हूँ। ये लाइन एकदम जो जमीन से खिसकी हुई आ रही है। ये पूरे गांव में ऐसी जो लाइनें हैं जो बिजली विभाग की लापरवाही इसमें साफ दिख रही है कि जो लगाई गई है केबल वो नीचे झुलझी हुई है। यहाँ पर आप बता जाएंगे कि एक जो ट्रैक्टर रहता है वो भी मुश्किल से नीचे से निकलता होगा, तो बस यहाँ पर कैसे आई होगी, कैसे निकलने की कोशिश किया होगा और ये कैसे हादसा हुआ रहेगा आपको बताऊंगा। मेरे पास गाँव वाले मौजूद है, क्या ऐसे बिजली विभाग की लापरवाही, इसने कितने पूरे गाँव में ऐसी लाइटें? हाँ सर, 2-3 जगह सर ऐसे हैं, नीचे झूल रहे हैं। हाँ झूल रहे हैं सर। अभी आपने कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेंट सर आते तो नहीं है। कंप्लेंट कभी किया आपने? कंप्लेंट नहीं की। नहीं की? नहीं सर। तो बिजली विभाग की लापरवाही इसमें सामने आ रही है जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ है और जो 6 लोगों के मौके पर मौत हुई, जो घायल हुए लोगों को जिनका उपचार जालो के हॉस्पिटल में जारी है। तो हम महसपुरा गांव के अंदर मौजूद है। आप देखने चाहेंगे मेरे पास सभी गांव वाले मौजूद है जो कि हादसे के समय बाहर चले आए थे, बाहर निकलकर गांव वालों के सहयोग से ही इतनी जाने बच पाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती थी। हमारे साथ में मौके पर जो रात को रात्रि पर जिन लोगों ने बचाया मौके पर मौजूद है, उनसे पूछेंगे आपने क्या देखा था, बाहर निकल कर लोगों को कैसे बचाया? निकल गया आग देखी, बारह है तो आग देखी थी अचानक, बाद में का की बाद में कांच फोड़ी है, कांच फोड़िया, कांच फोड़ी बाहर गाड़िया उन्होंने, तो बारह से निकालिया तो कतरा मन बलिया पता के बहने मानी बलिया बारह ही पड़िया है। जो बता रही हो कनेक्टर बस रहे ऊपर, तो वो खत्म हो गया, ऊपर से खत्म हो गया। हां पण कनेक्टर से आग लगी है बस, जो उड़ी हो ना वो उड़ते ही बस को पूरी बस ने आग पकड़ ली है। कनेक्टर ऊपर चढ़े जैसे कनेक्टर ने कनेक्टर की लापरवाही से ही आग लगी है। अच्छा कनेक्टर, हां उसने वो लकड़ी जैसे लगाई ना, लकड़ी छूट गई, वायर गिर गया, यहाँ 11 का तार था पूरा, 11 केवी की लाइन बता रही है। उसमें उड़ते ही पूरी बस में आग पकड़ ली, आग पकड़ी जैसे इन लड़कों ने अंदर घुस घुस के उनको खींच खींच के बाहर निकाले, जैसे तैसे फेंके बाहर, जैसे हाथ में वैसे फेंका है जी। तो यही लाइन थी और पूरे गांव वाले मेरे साथ मौजूद है। ऐसा बताया जा रहा है कि आग लगने के तुरंत बाद गांव वाले मौके पर पहुंचे थे और लोगों को खींच खींच कर बाहर निकाला गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। फिर भी दर्दनाक 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, वो लोगों के सहयोग से इतने 50 लोगों की जान बच गई। बताया जा रहा है कि बस में 50 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। सहयोगी मुकेश के साथ में जालौर से मनीष राजना की रिपोर्ट।